साहिबा ने खुद ब खुद अंगद को उसे डिवोर्स देने की अच्छी खासी वजह दे देनी है। हाँ नहीं तो कीरत, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, सच क्या है वो जानना चाहता हूं। और हाँ, एक और बात, तुम्हें सब बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं किसी भी बात पे तुम्हें जज करने बैठा हूं। कोई मुझे जज करे, ऐसा मैंने कोई काम किया ही नहीं है जीजू। मेरा वो मतलब नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मैं गैरी के साथ थी रात को। उस बारे में भी मुझे बता सकती हूँ मैं? आप मुझे उस बात के लिए भी जज नहीं कर सकते क्योंकि उस रात में गैरी के साथ थी ही नहीं, मैं वीर के साथ थी। आपके सामने बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और शायद आप उसे ही सच मान के बैठे। कीरत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी की साइड लिए, सच सुन सकूं। वीर कह रहा है कि तुमने उसे धोखा दिया। तुम कह रही हो कि वीर गलत है, तुम दोनों की बातें इतनी अलग कैसे हो सकती है? क्योंकि वीर झूठ कह रहा है, झूठा है वो। उसने सबके सामने जो कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करता है, वो भी झूठ था। नहीं कीरत, ये तुम कैसे कह सकती हो? तुमने भी देखा ना कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था, आग लगा रहा था खुद को वो। अगर वो वाकई मुझसे इतना प्यार करता है तो क्या वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है जीजू? ये वीर ने, नहीं वीर ऐसा कैसे कर सकता है? साहिबा जी सही कहती हैं, आप अपने भाई को जरा भी नहीं जानते। उसने गहरी और मेरी एक फोटो दिखाई और आप सबने उस फोटो को सच मान लिया और मुझे कैरेक्टरलेस। अरे उस फोटो की सच्चाई क्या है किसी ने पूछा तक नहीं। मैं बताती हूँ उस फोटो की सच्चाई क्या है। वीर ने उस रात मुझे होटल में बुलाया था, वो मेरे साथ वापस जबरदस्ती कर रहा था जीजू। मैं इतनी डर गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब वीर ने होटल में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैं जैसे तैसे करके वहां से भाग निकली। मैं भाग रही थी, वीर मेरा पीछा कर रहा था। मैं बस अपने सच से भाग जाना चाहती थी, मैं भागे जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां जा रही हूँ। मैं सड़क पर गाड़ियों के बीच भाग रही थी, मैं कार से टकराने वाली थी जीजू। और आपको पता है उस कार में कौन था? उस कार में गैरी था। उसने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो रुक गया, वो एयरपोर्ट जा रहा था जीजू। उसने मुझे संभाला, मुझे तो होश तक नहीं था कि वो गैरी है। कुछ ही देर में वहां साहिबा दी भी आ गई। उन दोनों को देख के मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या कहूं क्या करूं। जब होश आया मुझे जीजू तो मैं हॉस्पिटल में थी, मैं बेहोश हो गई थी। साहिबा दी और गैरी मेरे पास थे, मुझे संभाल रहे थे। मेरी ऐसी हालत देख के वीर ने मुझे संभालने की जगह उस वक्त मेरी फोटो खींची है जीजू, जब मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वीर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मेरे पास कोई सबूत कोई गवाह नहीं है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि ये मेरे साथ वीर ने ही किया है। और साहिबा दी जो कह रही है वो सच है, और ये बात मुझसे ज्यादा साहिबा दी जानती थी कि उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो सबसे लड़ गई। उन्होंने मेरी लड़ाई खुद की लड़ाई समझी। दुनिया से टकराने की ताकत मैं भी रखती, लेकिन जिस इंसान को मैंने अपनी दुनिया माना, जब उसने मेरा दिल मेरा भरोसा तोड़ा, मैं भी पूरी तरीके से टूट गई थी। जिस इंसान को मैंने अपनी पूरी दुनिया माना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों?
बताइए, कोई जवाब है आपके पास? इतनी ठंड में पसीना क्यों आ रहा है? वो भी इतना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।